बाहुबली टीम को लेकर राजमौली ने कर दिया ये बड़ा खुलासा। खोला महाभारत का राज। एस राजमौली निर्देशित दो भागों में आए बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा गदर मचाया और भारतीय सिनेमा का नाम भी दुनिया में ऊंचा किया। इस साल अप्रैल में बाहुबली द कंक्लूजन के रिलीज होने के बाद से लोग बार बार पूछ रहे हैं कि अब बाहुबली 3 कब देखने मिलेगी। जवाब राजमौली के पास है, बाहुबली का तीसरा भाग नहीं बनेगा, कहानी खत्म, अब आगे की कोई गुंजाइश नहीं है। ये साफ साफ शब्द हैं एस राजमौली के। समाचार एजेंसी INS को दिए गए इंटरव्यू में राजमौली ने कहा है कि एक बेहतरीन कहानी के साथ हमने फिल्म शुरू की थी और दो भाग बनाकर खत्म की। अब आगे बाहुबली की कोई कहानी नहीं है। मैं जानता हूं कि हमारे लिए बाजार खुला है, करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन ईमानदार फिल्म मेकिंग के नजरिए से ये गलत होगा ना। यदि कोई कहानी होती तो उसे फिर से बनाने की खुशी होती। इतना ही नहीं, भारतीय सिनेमा को बाहुबली जैसी भव्य फिल्म देने वाले एस राजमौली ने इस तरह की फिल्म की चाहत रखने वालों को और भी निराश किया है। बातचीत में जब उनसे इस खबर की पुष्टि की गई कि क्या वो महाभारत पर भी एक भव्य फिल्म बनने जा रहे हैं, बाहुबली मेकर ने कहा दाश नहीं, अभी कुछ नहीं, छुट्टी के मजे ले रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो महाभारत पर फिल्म नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि महाभारत बनाना उनका सपना था, लेकिन अभी उसे साकार होने में बहुत देर है। अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर उन्हें अभी कुछ समय और लगेगा। जब कोई विषय उनके दिल को छू जाएगा तब उस पर काम करेंगे। एस राजमौली ने कहा कि बाहुबली 2 को ऑस्कर में भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में नहीं चुने जाने से वो निराश नहीं है, क्योंकि वो अवार्ड के लिए फिल्में नहीं बनाते। बता दें कि बाहुबली ने भारतीय सिनेमा में कमाई के मामले में कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। फिल्म के दूसरे भाग का कलेक्शन 1700 करोड़ वर्ल्ड वाइड से ज्यादा है।